अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहार कुकिंग विद ब्लॉग। आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन शवरमा बाइट, जिसके इंग्रेडिएंट्स है मैदा लिया है हमने 2 कप, सॉल्ट लिया हमने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, शुगर लिए हमने 1 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट लिए हमने 1/2 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। ऑयल शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, एक अदद अंडा शामिल करेंगे, मिल्क शामिल करेंगे 100 ml। स्पून की मदद से हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, इस तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें अंडा, दूध और बाकी जो हमने अपनी चीज़ें शामिल करी हैं सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून से मिक्स करने के बाद हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। स्पून पर जो एक्स्ट्रा हमारी लगी हुई है वो सब हटा देंगे ताकि ज़ाया ना हो। देखिए हमें अच्छे से हाथ की मदद से हमारी डो तैयार करनी है, अच्छे से इसको भूनना है। हमारी डो बनकर रेडी है। ऑलिव ऑयल लगा कर हम इसको रेस्ट देंगे इस तरीके से अच्छे से। हम पूरे बाउल पर भी उसकी साइडों पर कवर करके हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। कवर करके रखिएगा। चिकन बोनलेस लिए हमने 400 ग्राम दही लिए हमने 3 से 4 टेबल स्पून, सॉल्ट लिया हमने 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर लिया है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स लिया है 1/2 टीस्पून, लेमन जूस लिया है 1-2 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर चिकन को हमें अच्छे से मैरिनेट करना है ताकि इसमें हमारा सारा मसाला जो है वह लग जाए 30 से 40 मिनट के लिए। उसको कवर करके रख देंगे। पैन लेंगे, ऑयल शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, मैरिनेशन हो गई है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हमारी मैरिनेट चिकन, इसको अच्छे से हम स्पून की मदद से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अच्छे से हमें इसको कुक करना है। अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करने रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेस वाटर, उसको हम ड्राई कर लेंगे इस तरीके से सारा। देखिए जी, स्पून की मदद से हम चलते हैं हमारी डो की तरफ। देखिए जी, हमारी डो रेडी है बनकर। इसको निकाल लेंगे, आटा डस्ट करेंगे इस तरीके से हाथ की मदद से हमें इसको। और अच्छे आप सेम मेरे फॉलो कीजिएगा इसी तरीके से। रोलिंग पैन की मदद से हम इसको अच्छे से बेलेंगे स्लोली स्लोली हाथ से इस तरीके से। हुक की मदद से हम इसको इस तरीके से इसके अंदर सुराख कर देंगे, छोटे छोटे हमें होल्स करने हैं इस तरीके से। कटर लेंगे हम स्मॉल सर्कल शेप में इस तरीके से, राउंड शेप में हमें इस तरीके से अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड निकालनी है इस तरीके से स्मॉल बाइट से। देख सकते हैं आप, इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे अच्छे से। कवर करके 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे तरीके से। पैन को हमने गर्म कर लिया है, नॉनस्टिक पैन है, इसके अंदर इसको रखेंगे इस तरीके से। हमें इसको अच्छे से कुक करना है दोनों साइड्स, इस तरीके से सेकना है स्पून की मदद से। देखिए जी, हमारी साइड इस तरीके से कलर आना चाहिए, इनको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे करना है। ऑलमोस्ट ये रेडी है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको प्लेट में निकाल के हम साइड में रखेंगे। अब हमें इसका रेडी करना है, तो कवर करके हम रख देंगे। सॉस बनाएंगे, मेयोनीज लेंगे 1/2 कप, इसमें हम शामिल करेंगे चिल्ली गार्लिक सॉस 2-3 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारा सॉस अच्छे से बन के रेडी हो जाए।
हम इसको हमारी मिनी बाइट्स पर लगा देंगे मायो चिल्ली सॉस इस तरीके से। चॉप सैलेड शामिल करेंगे इसके अंदर हम, जिसमें टमाटो अनियन और रेड कैबेज है। कुक चिकन शामिल करेंगे। देखिए जी हमारे चिकन शवरमा बाइट्स बनकर रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।